व्यूवर्स नमस्कार सत श्री अकाल। आज 5 दिसंबर दिन रविवार को महंत अजय गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से गैबी साहब मंदिर नरवाना में एक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, महारक्तदान शिविर। इस शिविर के मुख्य अतिथि हैं श्री सुरिंदर बैनीवाल जी SDM नरवाना और विशिष्ट अतिथि हैं श्री कुलदीप सिंह जी IPS ASP नरवाना। इस रक्तदान शिविर के विशिष्ट अतिथि श्री प्रदीप मोर जी नरवाना, श्री भारत भूषण गर्ग, श्री सतीश मोर SI, श्री प्रवीण आशु मोबाइल, श्री रामचंद्र मिर्ग, श्री लक्ष्मण मिर्घा एक्स मेंबर SS बोर्ड, श्री वरिंदर सरपंच कबड्डी कोच सिंगेवाला, डॉक्टर योगेश, श्री राम फिजियोथेरेपी, श्री मनदीप दनौदा युवा नेता, श्री वेद प्रकाश चोपड़ा, ये हैं विशिष्ट अतिथि। आइए अब आपको इस महारक्तदान शिविर में लेके चलते हैं और दिखाते हैं महारक्तदान शिविर। बाबा गैबी साहब मंदिर में आज महारक्तदान शिविर लगा हुआ है। आपके बीच में पंजाब से अनुराग बंसल जी पहुंचे हैं। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। नरवाना की आवाज कवरेज के लिए बिंटू शोरान जी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। विकास जेठी जी, नरेंद्र जेठी जी, सोनू गहलोत जी, महासिंह शोरान जी, राजीव गर्ग जी, आज के कार्यक्रम में आप सब पहुंचे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पंडित बीरबल शर्मा जी ब्राह्मण समाज की ओर से आप पहुंचे हैं। आपका रहते हैं सर, आपका फूल माला। प्रधान नगर परिषद को आपने बहुत समय दिया सर, आप तो सुबह जाने वाले थे परंतु आपका प्यार बना रहा, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान कुलदीप सिंह जी आपको सर्व समाज की तरफ से अभिनंदित कर रहे हैं। बाबा गैबी साहब का आशीर्वाद, बाबा गैबी साहब की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जीतू मोर जी नरवाना हरियाणा के सबसे लंबे नौजवान साथी, 7 फुट 3 इंच की जो हाइट के साथ आप पहुंचे हैं, आपका अभिनंदन। और टॉप 5 रैंकिंग में भी आप इंडिया के गौरव की बात है हमारे लिए, आपका स्वागत फूल मालाओं के साथ। आइए अब आपको सबसे लंबे आदमी को दिखाते हैं, डॉक्टर राजेश गुप्ता, हरियाणा के सबसे लंबे आदमी, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट। एक बार सामने सेवक है, सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, कर आज करे हम ब्लड डोनेशन। आओ मिलकर आज करे हम ब्लड डोनेशन। हमारे बीच में आपके सामने उपस्थित हैं और हिंदुस्तान में आप टॉप 5 रैंकिंग में हैं, ये भी गर्व की बात है। प्रभु से प्रार्थना तो यही करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दे भाई, जब इतना बढ़ा दिया है पहली रैंकिंग में आ जाएगा, हमारे नरवाना का नाम भी हो जाएगा और भी कहेंगे भाई पहली रैंकिंग हमारी। राम बहुत अभिनंदन। विशाल से 500 ब्लड यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, 1000 ब्लड यूनिट की तैयारी के साथ आपके बीच में डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक फरीदाबाद की टीम डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर शिव कुमार के सानिध्य में 21 टेक्नीशियंस की टीम पहुंची है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। के साथ फूल मालाओं से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। सर एक कदम, आप कार्यक्रम में पहुंचे, कार्यक्रम की रौनक गुलजार हो गई, मैं भी शिरकत कर लेता हूं। Thank you.
पूर्व वाइस चेयरमैन गंगा सिंह लोचप जी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। संयोजक टीम से मेरा निवेदन, फूलमालाओं से आप स्वागत करिए, अभिनंदन करें आदरणीय गंगा सिंह लोचप वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी नरवाना। अभिनंदन कर रही है श्रीमान, आप कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ पे जो रक्तदान कर चुके हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है और प्रॉपर तरीके से जो है रक्तदान किया जाता है और डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहे हैं। महिला आयोग हरियाणा सरकार आपको अभिनंदित करेगी। सर्व समाज की ओर से पहुंचे आप, ये देखिए यहाँ से ब्लड आके इस थैली में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये जो हम देख रहे हैं मंजीत जी खून दे रहे हैं, नरवाना से ही हैं। ये देखिए बड़े मज़े से बलतेज जी बॉल को दबाते हुए और बड़ी खुशी से रक्तदान कर रहे हैं, ये नरवाना से हैं। चलो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का भी ध्यान रखा जाता है और इनको रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। लक्की जी बैठे हैं, थैंक यू जी। हाँ जी रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं ये नौजवान और अपना कार्ड दिखा रहे हैं, इनको जूस दिया है और बनानाज इनके पास हैं और गावा जूस पी रहे हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। नवदीप जी हैं, नवदीप जी रक्तदान कर चुके हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है हमें रक्तदान कर कर। किसी प्रकार की कोई कमजोरी या ऐसा कुछ? कोई कमजोरी फील नहीं हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशमेंट लग रहा है, बहुत अच्छा शरीर है। नवदीप जी आपने पहली बार रक्तदान किया या पहले भी किया है? पहली बार किया है। इन्होंने पहली बार रक्तदान किया, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। आओ मिलकर यार करें हम ब्लड डोनेशन, आओ मिलकर यार करें हम ब्लड डोनेशन। यहाँ पे जो रक्तदान शिविर लगा है यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ या जेंट्स ने ही नहीं रक्तदान किया बल्कि महिलाओं ने भी रक्तदान किया है। हमारे साथ हैं शालू ढिल्लों जी, ये बताएंगी कि आप आपको कैसा फील हो रहा है खूनदान का? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपने पहली बार खून? नहीं, फर्स्ट टाइम दिया है जी मैंने। फर्स्ट टाइम? हाँ जी जी। तो आपको किसी प्रकार की घबराहट या कुछ फील हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। आपकी स्माइल से पता चल रहा है कि आप बढ़िया लग रहा है आपको और किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं महसूस? नहीं नहीं कोई। तो आप आगे भी रक्तदान करते हैं? हाँ जी मैं जरूर दूंगी। और देखते हैं कि यहाँ पे आदमी ज़्यादा हैं, जेंट्स ज़्यादा हैं, महिलाएं बहुत ही कम हैं। हमें तो सारे शिविर में आप ही दिखे हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं महिलाओं को यही बोलूँगी जी, रक्तदान जरूर करना चाहिए, रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है। और ये हमारे किसी भी मेंबर को, मतलब किसी को भी, हाँ जी, उसकी जान बचा सकता है। और सबको ज़रूरी है रक्तदान, तो जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही मतलब ज़्यादा दान होगा। थैंक यू जी। यहाँ जो ब्लड है यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ से आगे हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाएगा। और पता चला है शिविर में 200 से ऊपर यूनिट हो चुके हैं। शुक्रिया श्रीमान, धन्यवाद अभिषेक, पहुंचे आप अपनी टीम के साथ। मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजेंद्र कुमार जी को, शुक्रिया श्रीमान आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, शुक्रिया। ठीक है सर, इनको पंजाब वाले साथियों को भेज देंगे। भाई कृष्ण मोर से निवेदन, कृपया आए वाइस प्रेसिडेंट हमारे म्युनिसिपल काउंसलर नरवाना पंजाब से कवरेज के लिए आए हैं, इनको आप अभिनंदित करें, आप इनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। नरवाना की आवाज कवरेज के लिए ठीक है जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, बिल्कुल खुशी महसूस हो रही है। डियर व्यूअर्स, आपने आज रक्तदान शिविर देखा और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसका लिंक आगे शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। हम आपके आभारी रहेंगे। और हाँ, अब हमारी वीडियोस जो हैं हर बुधवार और शनिवार शाम को 6 बजे हमारे चैनल पे आया करेंगी। और नरवाना वासियों के लिए एक और खुशखबरी है कि इस बुधवार शाम को 6 बजे हम आपको शनि मंदिर और साई मंदिर दिखा रहे हैं, उसके दर्शन करवा रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और शनिवार को शाम 6 बजे हम गैबी साहब के दर्शन करवाएंगे और महंत अजय गिरिजी महाराज से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आगे लिंक शेयर करें। धन्यवाद।